कि भारत निर्वाचन आयोग ने असेंबली इलेक्शंस का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। गुंडा में 3 ACs हैं, सीसई, गुंडा और बिशुनपुर, और तीनों ACs में ही फर्स्ट फेज में यानी 13 नवंबर को मतदान होने हैं। जो नोटिफिकेशन की तिथि है वो 18 अक्टूबर 2024 है और नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024 है। स्क्रूटनी की तिथि जो है वो 28 अक्टूबर 2024 है और विड्रॉल की जो अंतिम तिथि है वो 30/10/2024 है। 13 नवंबर को गुमला के तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में मतदान होने हैं और 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। और इसके साथ ही आज से NCC प्रभावी हो जाए तो हम लोग पूरी तरह से सचेत रहेंगे और जो पूरी मशीनरी है सरकार की वो NCC के एनफोर्समेंट में लगी रहेगी और सभी लोग ECI और CO ऑफिस के निर्देश में काम करेंगे। सर, आप लोग को जानकारी है कि 13 नवंबर को हमारा फर्स्ट फेज में इलेक्शन है। 3 AC है गुमला ज़िले में, एक हमारा पार्ट AC है जो सिमडेगा से ज्वाइनिंग है पालकोट का। तो टोटल 965 जो हमारे बूथ हैं, सभी बूथों पर पर्याप्त संख्या में जो हमारा इलेक्शन से पहले की तैयारी है वो हो चुकी है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंसिटिविटी जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे और पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए गुमला पुलिस तैयार है। मैं गुमला के नागरिकों से, वोटर से अपील करता हूं कि भारी से भारी संख्या में आकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। पर्याप्त संख्या में हम लोग वहां पे इलेक्शन से पहले भी लगातार उसको निगरानी रखे हैं और वहां पे या उस क्षेत्र या उसके अलावा उन सभी जगहों पर हम लोगों की पर्याप्त संख्या में फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट होगा। बूथ पर भी डिप्लॉयमेंट रहेगा, इलेक्शन से पहले भी उन सब क्षेत्रों में लगातार हम लोगों का जो सघन अभियान चलता है वो चलता रहेगा। पुलिस की मुस्तैदी रहेगी और किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।